क्लास 12। आज हम लोग मैथमेटिक्स में ये जो एक्सरसाइज का 2.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे, 10 तक का क्वेश्चन करने का तरीका बताया गया था। उसके बाद 11 से 15 तक क्वेश्चन है, और 11 से 15 तक में 11, 12, 13 एक तरह का है। इसमें ये वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि इस तरह का 1, 2, 3 क्वेश्चन 11, 12, 13 या वैल्यू फाइंड करना है। और इसमें अगर एक ही क्वेश्चन दिया है तो 14 वाले में ये आपका ये वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। 11, 12, 13 में इस तरह की इसकी वैल्यू पढ़ने या इसमें क्वेश्चन दे करके एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 14 और 15 में है। तो मतलब ये 15 तक का काम कंप्लीट हो जाएगा अगर हम दोनों को कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो इसका सॉल्यूशन वैल्यू फाइंड करना है, ये हमको दिया हुआ है। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे लिखना है हमको क्या, टेन इनवर्स 2 cos, और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 2 into sin inverse 1/2। इसको सोचना होगा कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू इसमें इधर से देखिए, ये साइन इनवर्स 1/2 को अगर हम थीटा मान लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, और ये हो जाएगा sin 30। साइन 30 हो जाएगा क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा हमारा 30 हो गया। इस 30 को पाई बाई क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। तो हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई बाई 6 आ रही है। यही चीज यहाँ लिख देंगे, पाई बाई 6, यहाँ से जो हमने वैल्यू वहाँ फाइंड किया उसमें इसमें रख दिया। अब इस 2 से ये 6 कट के 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका, टेन इनवर्स 2 cos π/3। ये बीच में ऐसे आ गया, ये जो वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड किया, और उस की जगह पाई बाई 6 लिखिए, 2 से इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास टेन इनवर्स 2 और कास पाई बाई 3 का मतलब कास 60, और कास 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 1/2, यहाँ से लिख देंगे सिंस कास पाई बाई 3 इज इक्वल टू कास 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 1 हो गया, और टेन इनवर्स 1 को अगर हम फाइंड आउट इस तरह से करें तो इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती है। तो इसका इवेल्यूशन किया तो पाई बाई 4 यहाँ से देख सकते हैं कि सिंस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 को अगर हम थीटा ले लें, या फाई ले लें, तो यहाँ से बनेगा टेन फाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, या फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसी को हम पाई बाई 4 लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको हम सिंप्लीफाई किए तो इतना का वैल्यू हमारा पाई बाई 4 हो गया। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए दो चीज़ें आपको यहाँ से या तो डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि हमको देखेंगे साइन इनवर्स 1/2 है तो सोचेंगे कि साइन का मान 1/2 होता है, तो सीधे सीधे आएगा कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 जिस एंगल के साइन की वैल्यू 1/2 होती है उसी एंगल को याद लिखना, मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6 लिख देंगे। ऐसे ही सोचेंगे किस टेन की वैल्यू 1 होती है, तो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 45 को पाई में ट्रांसफर करके उसके जगह पर ये लिख देंगे। ये कॉमन सेंस है इसको इनवर्स के वैल्यू को लिखने के लिए। इनवर्स किसी भी फंक्शन किसी भी नंबर का इनवर्स का मतलब वो एक सर्टेन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे एंगल लिखना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है हमारे पास, इस बेसिस पे 11 के बेसिस पे 12 और 13 आप लोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका सॉल्यूशन देखना है, तो सॉल्यूशन में लिखने के लिए यहाँ पे जो दिया है उसको नोट किया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू वाई। अब इस साइन को अगर उस साइड में ले जाएं तो हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब मतलब हम इस साइन को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो उधर जाकर के साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचना है ये इम्प्लाइज करेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स 1 का मतलब किस साइन का मान 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम 90 लिखें डिग्री या इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 हमारा पाई बाई 2 90 डिग्री या इसको पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखेंगे साइन इनवर्स 1/5 इसको भी लेगा उधर तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये आइडेंटिटी का यूज करें। तो जहाँ पे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स रहे उसके ऊपर हम जगह पर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 और इधर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। दोनों साइड से अगर साइन इनवर्स हटा दें तो एक्स इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को 11, 14 की तरह से 15 क्वेश्चन करना है आप लोगों को, 15 क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे होगा। स्टूडेंट्स फिर हम उसी एक्सरसाइज के 2.2 के एक क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं, यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग करके लिखा गया है, 16 और 19 को कंसीडर किया जा रहा है। तो 16 में वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिख दिया, और इस साइन को लिखेंगे साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 3। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा एक फॉर्मूला होता है कि पाई माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसमें सेकंड में साइन हमारा 5/2 होता है, तो साइन पाई 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ साइन पे जो है इसी को पाई माइनस वही थीटा कर दिया तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसके जगह पे लिख दिया गया। और यहाँ पे आप देखें साइन इनवर्स साइन एलसीएम ले लिया गया तो 3 पाई माइनस 2 पाई यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे साइन पाई बाई 3। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो हो गया पाई बाई 3 आंसर हमारा हो जाएगा। एक्चुअली साइन को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसके डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू थी उससे बड़ी थी, पाई बाई माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से ज़्यादा ये था, इसलिए उसको हम ऐसे एंगल में ट्रांसफर किए कि ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आए, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ के लिए भी होता है, इसको कास इनवर्स कास 7 पाई बाई 6 है तो इसको हम चाहते थे इस कास से कास काट देते, लेकिन ये रेंज जो कास का डोमेन होता है उसके बाहर का, तो हम कोशिश करें कि वो उसके अंदर का हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर कास इनवर्स यहाँ कास लिखेंगे 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए सेम ये फॉर्मूला है कि कास 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, ये 360 को 2 पाई यानी है 360 को इसको कास थीटा लिखा जा सकता है। तो ये चीज यहाँ कर रहे हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करें कास इनवर्स
कॉस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 12 पाई माइनस 7 पाई, 12 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। तो अब फिर ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में हो गया, तो यहाँ से कॉस को हटा दें तो 5 पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं।